सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हिस्ट्री का ये थर्ड चैप्टर नाजीम एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसकी शुरुआत करेंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। पार्ट वन, फर्स्ट पॉइंट है एलाइज। एलाइज कहते हैं मित्र राष्ट्र को। द ग्रुप ऑफ फोर कंट्रीज इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसएसआर एंड यूएसए विच फोट अगेंस्ट द एक्सिस पावर जर्मनी, इटली एंड जापान ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये मित्र राष्ट्र जो है, चार देशों का एक समूह, ये इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और अमेरिका, जो इसके अगेंस्ट इसको युद्ध को लड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। ये एक्सिस पावर थी, जिसको धुर राष्ट्र कहा गया है, धुरी शक्तियाँ इसको कहा गया है, जर्मनी, इटली और जापान, इसके अगेंस्ट ये युद्ध लड़ा गया, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। इसको मित्र राष्ट्र कहा गया और इसको धुरी राष्ट्र के नाम से जाना गया। सेकेंड है एक्सिस पावर्स, वही धुरी शक्तियाँ। द ग्रुप ऑफ थ्री कंट्रीज इटली, जर्मनी एंड जापान विच फोट अगेंस्ट द एलाइड पावर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। धुरी शक्तियाँ द्वितीय विश्व युद्ध में तीन देशों का समूह, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान, इन तीनों देशों के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया। ट्रीटी ऑफ वर्साय, इट वॉज द पीस ट्रीटी साइंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, अंडर विच ह्यूमिलिटिंग टर्म्स इम्पोज्ड ऑन जर्मनी। वर्साय की संधि, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हस्ताक्षरित की गई एक शक्ति संधि थी, जिसके अंतर्गत जर्मनी में अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। हाइपर इन्फ्लेशन, ए वेरी हाई राइज इन प्राइसेस। हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं अति मुद्रा स्फीति, कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होना, वृद्धि होना। नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन कैंप, ए कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेंड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। टाइपिकली इट वॉज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रीफाइड बार्ब्ड वायर फेंसेज। दीज वर क्रिएटेड बाई हिटलर आफ्टर द टूक चार्ज ऑफ जर्मनी। ये कंसंट्रेशन कैंप एक ऐसे शिविर था जहाँ पर लोगों को कानूनी कार्रवाई किए बिना बंदी बना करके रखा जाता था। ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली का जो करंट है, दौड़ते कटीले तारों से घिरे रहते थे, और इसका निर्माण हिटलर ने किया था जब उसने जर्मनी की सत्ता संभाली थी। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्दिक जर्मन आर्यंस, यानी नॉर्दिक जर्मन आर्य, वन ब्रांच ऑफ दोज क्लासिफाइड एज आर्यंस, दे लिव्ड इन नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज एंड हैड जर्मन और रिलेटेड ऑर्गेन्स। आर्यों की एक शाखा जो उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे, तथा वे जर्मन अथवा संबंधित मूल के होते थे। जिप्सी, द ग्रुप दैट वर क्लासिफाइड एज जिप्सी हैड देयर ओन कम्युनिटी आइडेंटिटी। सिंथी एंड रोमा वर टू सच कम्युनिटीज, मैनी ऑफ देम ट्रेस देयर ओरिजिन टू इंडिया। वे वर्ग जिन्हें जिप्सी कहा जाता था, तथा जिनकी अपने समुदाय की पहचान होती थी, सिंथी तथा रोमा, ऐसे ही दो समुदाय थे। कईयों ने भारत को अपना मूल माना है कि हम यहीं के रहने वाले हैं। पोपराइज्ड रिड्यूस टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी बिल्कुल गरीब बना देना, पोपराइज कहा गया है कि कंगाल बना देना, बिल्कुल गरीब हो जाना।
persecution, systematic organized punishment of these belonging to a group or religion. किसी समूह अथवा धर्म से सम्मान रखने वालों को नियमित रूप से सजा देना, अगर किसी धर्म के हैं या किसी समूह के हैं उनको लगातार सजा देना, इसको प्रोसिक्यूशन कहा गया है। इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद याद करेंगे।